भारतीय नस्ल की गाय आत्मनिर्भर भारत का आधार है और आर्थिक दृष्टिकोण से देश और परिवार को समृद्ध बना सकती है। यह बात विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री खेमचंद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से गाय किसान को समृद्ध बना सकती है और देश को रोजगार युक्त जवान, कर्ज मुक्त किसान, स्वास्थ्य मुक्त भारत गाय पालने से प्राप्त हो सकती है। श्री शर्मा ने कहा कि अर्थ प्रधान देश में पैसे के भाव में कोई बात नहीं करता, तो गाय पैसे देने लगेगी तो लोग गाय को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गाय के गोबर और गोमूत्र से अपने घर के गमलों में सब्जी पैदा कर सकते हैं और घर को समृद्ध बना सकते हैं। इस वार्ता के दौरान गाय से लाभान्वित होने के 5 अहम बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री गौरक्षक के त्रिलोकीनाथ बाकी, प्राप्ति कमेटी सदस्य राम शंकर, गौशाला सचिव विनोद हिसारिया, निरंजन सिंह, सुनील सिंह एवं मृत्युंजय कुमार वीरेश सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। किसान गाय क्यों पाले? मैं उसे ग्रीन रेगुलेशन नहीं, ग्रेन रेगुलेशन कहता हूँ। अन्न के दाने बढ़ गए, लेकिन दुर्भाग्य है अपना, विदेशों में हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय गाय, हमारी भारतीय नस्ल की गाय आत्मनिर्भर भारत का आधार है और उन 5 बिंदुओं को आपके सामने मैंने कहा है। इस आधार पर आर्थिक दृष्टि से हमारे देश को, हमारे परिवार को गाय समृद्ध बना सकती है, किसान को समृद्ध बना सकती है, रोजगार युक्त नौजवान, कर्ज मुक्त किसान, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत, गोदुग्ध युक्त भारत, ये काम करने से, गाय को अपने घर पर पालने से, शहरी क्षेत्र के अंदर अपने किचन गार्डन, अपने गार्डन के अंदर अपने घर के लिए भी गाय के गौमूत्र गोबर से, गौ कृपा अमृतम से हम अपने घर के लिए ही सब्जी पैदा कर सकते हैं। अपने टेरिस के अंदर लगे हुए गमलों के अंदर हम देसी खाद से अपने घर के लिए सब्जी पैदा कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, तो हम अपने घर को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी जनरेशन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए, क्योंकि आज के अर्थप्रधान युग में पैसे के बगैर कोई बात नहीं करता, तो गाय जब पैसे देने लगेगी, गाय का गौमूत्र गोबर, दूध तो पहले से देता था, लेकिन गाय का गौमूत्र और गोबर ये किसान को पैसे देने लगेगा, तो किसान कभी भी अपनी गाय को छोड़ेगा नहीं। हमारा उद्देश्य है गाय को वापस फिर गांव में पहुंचाना, गाय को फिर घर में पहुंचाना और समाज को, देश को स्वस्थ और आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना। इसके लिए समाज के कैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है? समाज के अंदर इसमें कोई स्तर नहीं है, ये उस हर भारतवासी का काम है जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है, इस देश की माटी के अंदर जन्मा है, पला है और इस देश का खाता है। गाय तस्कर ने भी कहा था, गौ सेवा आयोग बनाए और देश भर के अंदर जितने भी अवैध कत्ल खाने चल रहे हैं वो अवैध कत्ल खाने बंद होने चाहिए। बकरीद के ऊपर, अन्य मौकों पर गाय को जो काटा जाता है वो काटना बंद होना चाहिए। इस काम के लिए हमारी गोवंश हत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद हमेशा कोर्ट के अंदर लड़ती रहती है। ट्रकों को रोकने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद भी हुए हैं, लेकिन सरकार का भी कर्तव्य है तो सरकार भी इसमें सहयोग करे और इन कत्ल खानों को और अवैध गाय का जो कटना है उसको रोके।